হয় হয় এইবাৰ বিগত বছৰৰ দৰে এইবছৰ কাজিৰঙাৰ চাইটিং যথেষ্ট ভাল। বিদেশী যিসকল মানে পৰিভ্ৰমী চৰাই তেওঁলোকো আহি ইতিমধ্যে কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছে। চৰাই চিৰিকটিৰে মানে কাজিৰঙা ভৰপূৰ। তাৰ ভিতৰতে মাজে মাজে বাঘ দেখা গৈছে, মাজে মাজে ভালুকো দেখা গৈছে। চাইটিং যথেষ্ট ভাল। কিন্তু সিদিনা মানে আপোনাৰ পুৱা প্ৰায় 9 মান বজাত মই কাজিৰঙা কঁহৰা বনাঞ্চলৰ ডিফুলু নৈত উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ। তাতে পোহৰ, ইমান ধুনীয়া পোহৰ এটা নৈখনত পৰিছে আৰু নৈখনত এটা মানে পানীগুই বা ৱাটাৰ মনিটৰ লেজাৰ যিটো খামন বুলিও কয় সেইটো আপোনাৰ বিচৰণ কৰা দেখা পালোঁ। দেখা পাই মই কেমেৰাটো উলিয়াই তাক ফটোশ্বুট কৰি আছোঁ। তেনেতে সি হঠাতে জাপ মাৰি গৈ এটা কাছ চিকাৰ কৰে আৰু কাছটো মুখত লৈ সি হাবিৰ ফালে সোমাই যায়। পৰ্যটকসকল বহুত সুখী হৈছে। দুগৰাকী ফৰেনাৰ আছিলে আৰু এগৰাকী ভাৰতীয় পৰ্যটক, তেওঁলোক যথেষ্ট আমোদ পাইছে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বাবেও দুৰ্লভ, মোৰ বাবেও দুৰ্লভ আছিলে। আগতে তেনে দৃশ্য মই দেখা পোৱা নাছিলোঁ। বাঘৰ চাইটিং যথেষ্ট ভাল, বাঘৰ তুলনাত যথেষ্ট ভাল হৈছে। কাছ চিকাৰ আচলতে এইটো ক'বলৈ গ'লে খাদ্য শৃংখলত পৰিব বা প্ৰকৃতিৰ এটা নিয়ম, প্ৰকৃতিয়ে নিজৰ ভাৰসাম্যতা নিজেই ৰক্ষা কৰাৰ এটা চেষ্টা আচলতে। বহুত বঢ়িয়া। ये सारी चीज़ें हम लोग शहर से आते हैं तो हम लोग को ये सारी चीज़ें वहाँ इतना देखने नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो रहना है, जो सारी इन्फॉर्मेशन जो बताया इन्होंने गुलाबदान है, तो बहुत अच्छा लगता है। सारा जानने मिलता है कि हम लोग जो खा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, ये सब ये कैसे रहे, कहाँ से आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया। स्पेशली आप लोग टेंगा मोड़ा कैसे लगा? टेंगा मोड़ा जो बोल रहे हैं, वो टेंगा मोड़ा जो बोला है, हाँ कैसे लगा? बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि और मैं यहाँ पे तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ। यहाँ पे 2019 में पहली बार आए थे और तब से ये चल ही रहा है कंटिन्यूस। एग्रो टूरिज्म मेरे हिसाब से और होने चाहिए ऐसे लोकेलिटी, और ये जो इन्होंने चालू किया है एग्रो टूरिज्म का, ये चाहते तो बढ़ा सकते थे, होटल जैसा बना सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। कोविड के टाइम पे भी इन्होंने वो बंद नहीं किया, बहुत मुश्किल से, मुझे पता है मैंने बात वगैरह की थी, तो उन्होंने फिर भी वो रखा हुआ है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज जो हिसाब से टूरिज़्म डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत कमर्शलाइजेशन हो रहा है, आई थिंक ये ऐसी जगहों की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप कन्वर्ट कर दोगे इसको होटल में या रिसोर्ट में, तो वो जो कल्चर है कहीं ना कहीं एग्रो टूरिज्म के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये लोग जो मेंटेन करके रखते हैं, गुलाबदान यहाँ रखी हुए, कि जो कल्चर है यहाँ का, वो कल्चर साथ में आपको देखने मिलता है। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं वो देखने मिलता है, कैसे घर है इनके, कहाँ खेती हो रही है, कैसा। तो आई थिंक ये और मैं जब बोल रहा हूँ कि अगर मैं चौथी बार आया, यहाँ बहुत सारे रिसोर्ट होटल वगैरह है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, इसकी जो फीलिंग है वो कुछ नहीं बीट करता है। तो बहुत खुश हूँ मैं, उनको यही बोलता हूँ कि बदलना नहीं, इसको जैसा है आज वैसा ही रखना, जितना रॉ रखा हुआ है इन्होंने उतना ही, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। लोग आएंगे, जैसे लोग चाहिए वैसे लोग आएंगे, और अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज नहीं तो कल ये चीज़ है जो बदलेगी टूरिज़्म को। आपका जो 10 में रात गुजरा कैसे लगा? बहुत हम लोग को ऐसा लगता है कि सोने के लिए बिस्तर चाहिए, बहुत एमिनिटीज़ चाहिए, फ़ैन चाहिए, एसी चाहिए, बट कुछ नहीं चाहिए। जब जब जो नींद यहाँ मिलती है ना, सोने के लिए सिर्फ नींद चाहिए, और जो यहाँ मिलती है वो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि जब मेरे साथ गेस्ट आते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी, सामान कहाँ रहेगा, जानवर होंगे नहीं होंगे वगैरह, बट कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सुकून की नींद। यहाँ जो लोग हैं बिल्कुल ख्याल रखने वाले हैं, कहीं कुछ रख के अगर मैं भूल भी जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंट में जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर रखा हुआ है, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह रखे हुए, जो जो बेसिक है वो है, टेंट में ना सही बाहर है लेकिन है, तो जितना चाहिए उतना बिल्कुल है, और आपको अपने अपने लिए वक्त मिलता है। तो बाकी सारी एमिनिटीज़ नहीं होके आप दो लोग बैठ के बात कर सकते हैं, टेंट एकदम क्लीन नीट, बेड, ठंडी का कोई टेंशन नहीं, कंबल वगैरह सारी एमिनिटीज़ है, तो बहुत ही बढ़िया। मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसे कि हम मुंबई से आई हूँ, तो मुंबई में कैसे हम 9 to 5 कंटिन्यू काम करते रहते हैं, हमें ये सब बिल्कुल देखने नहीं मिलता है। यहाँ पे आने के बाद हम जल्दी उठते हैं, ऐसा मोबाइल को देखते तक नहीं है, तो
वो जो प्रॉपर नेचर का एहसास यहाँ पे आके मिला टेंट में, भले ही यहाँ पे कम फैसिलिटीज़ है जो कि हमें मुंबई में नहीं मिलती, फिर भी हमें ये यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत नेचुरल है। तारे जो हमें नॉर्मली नहीं दिखाई देते वो प्रॉपरली यहाँ पे एकदम नज़दीक से दिखाई देते हैं। और अगर इस टेंट की बात करें वन हॉर्न राइनो की, तो यहाँ पे इन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटी की है, यहाँ पे सारा बहुत स्वच्छता है, अच्छे से स्वच्छता रखी हुई है। और अगर यहाँ का कल्चर, हम कल कल्चरल डांस में भी गए थे जो कि बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा, मतलब एन्जॉयमेंट हुआ है हमारा कि हमने सोचा ही नहीं था कि इतना मज़ा आएगा, बट इट वॉज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस। यू एवरी वन शुड कम हियर फॉर वंस। द फूड इज़ नाइस, द कल्चर इज़ वेरी नाइस, एंड यू गेट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग एट वन प्लेस विच इज़ रियली नाइस। एवरी वन शुड कम हियर। माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी वंडरफुल। इट इज़ वेरी ग्रेट टू बी इन दिस प्लेस बिकॉज वी आर एक्सपीरियंसिंग द ग्रेट फूड, द कल्चर ऑफ आसाम, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी स्टेइंग इन द नेचर एनवायरमेंट। मतलब ये बहुत सबसे प्यारी जगह है बिकॉज हमें सुबह कब होती है, शाम कब होती है, यहाँ पे पता चलता है। सो वी आर एंजॉइंग दिस। द टेंट का नाम है वन हॉर्न राइनो, विच वॉज अ वेरी प्लेस टू बी स्टेइंग इन, एंड इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। सकलके नमस्कार जनालो, आगंतुक ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো। ওৱান হৰ ৰাইনো কেম্প 2019 চনতে আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান সময়লৈকে ঠিকে চলি আছে আৰু পৰ্যটকৰ সহায় পাইছোঁ। সকলোকে মই মোৰ ভিতৰৰ পৰা যিটো আচলতে ভা মানে মই নিজে ভাল পাওঁ সেইটোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আঁকোৱালি লৈছে।